Hey guys, welcome to channel. कुकर की सीटियाँ बज रही हैं, कोई बात नहीं, एक और लगने दो. यस, तो अभी मैं एक्सरसाइज वगैरह लगा के आई हूँ और यार बहुत हार्ड होता है एकदम छोड़ के दोबारा से एक्सरसाइज करनी, लाइक वेरी वेरी हार्ड. ये रहा मेरा गेटअप, मेरी शूज, मेरी मैगी और ये देखिए ये जूस मैंने अपने लिए लिया था. या मैं लेके आती हूँ. हाँ हाँ है, मैं लेके आता हूँ आपके लिए. हाँ, मैं आलू की रोटी बनाने वाली हूँ. विंकल को मूली के परौंठे बना के दे दे. एंड मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं एक्चुअली मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी फैमिली मेम्बर्स जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो वो सभी कहते हैं विंकल बहुत अच्छा बोलती है. बहुत अच्छे अच्छे कमेंट, सुबह मम्मा का फ़ोन आया, मेरी सिस्टर का कॉल आया कि विंकल बहुत अच्छा बोलती है, वो एक सच में एक नई ब्लॉगर बनने जा रही है, या नई ब्लॉगर जो मुझे वेट कर सकती है. मेरी बेटी ब्लॉगर बनेगी, मेरी बेटी यूट्यूबर बनेगी, है ना. ऐसा कुछ नहीं है, वो उसका जो दिल करेगा वो वही बनेगी. हम उसको कुछ फोर्स नहीं करने वाले हैं कुछ भी करने के लिए. अगर हम उसको ब्लॉगर बनाते भी हैं तो वो जस्ट इंजॉय के लिए, पिता पकड़ने से. एक्सरसाइज लगाने के बाद कुछ भी हैवी मत ले, थोड़ी देर के लिए आप गेट बंद कर दे यार, जूस ले सकते हैं. जूस खत्म. मैं कौन सा जूस पी रही हूँ, इट्स रियल का. मैं गेट बंद कर दिया. रियल का जूस. ये रहा होगा लाइट तो लाला. कुकर चली है ना, कुकर में तो बंद कर दे. और मच्छर कंडा आ गया. हेलो दोस्तों, मैं थोड़े ना पंजाबी की गल करदा वा. ते साडी मैडम जूस एक मैं कैन लेके आया सी, ते थोड़ा जि बचिया सी, मैं अपने लिए रखिया सी. ओ बिल्कुल झूठ, ऐसा कुछ भी ले आई है यार. इसकी डेट 5 डेज की होती है कि 5 दिन में हमने जूस खत्म करना होता है. आप लोगों को भी कई बार कोई विंकल लेज लेने या चिप्स लेने आता है, एक ही करती है मैडम, वो देंदी नहीं है, आप ही खोल के खा जाती है. बाद च फिर विंकल बोल दिए मम्मा ने मेरे सारे फिनिश कर दे. ते और ये बोला है. ओके, मैं बताती हूँ क्या है एक्चुअली. अभी बोलेंगे 365 लीटर नार दे, सारा साल बंदे नू मार दे, राइट. एक्चुअली मैं विंकल ने कल जिद करके इनके साथ शॉप पे गई और लॉलीपॉप ले लिया. लॉलीपॉप उसने खाया नहीं, वो खराब कर रही थी. तो अब मम्मा क्या करती हैं, कोई भी चीज़ को ख़राब नहीं करती हैं. तो आप खा लो, है ना. या फिर एक घर में घुस गया है मच्छर, अब पति देव मच्छर देख रहे हैं कि कैसे चले गया हम केड़े कोने में पड़ गया दिखाएंगे. सो गाइस, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग, प्लीज बताएं. और एक्सरसाइज अगर मुझे आप कमेंट करके नीचे बताओगे, काफी ढेरों सारे कमेंट आएंगे, तभी मैं आपके साथ एक एक्सरसाइज का वीडियो शेयर करूंगी, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए लेडीज को घर पे. तो नीचे करके मुझे कमेंट जरूर बताइएगा. असी दोस्तों आज जा रहे हैं अपने पिंड. यस, आज हम घर जा रहे हैं. असी 2 दिन बाद मिलेंगे. नो, मैं वहां पे भी ब्लॉग करूंगी, डोंट वरी. मैं मिलूंगी रोज, मैं वहां पे भी ब्लॉग करूंगी, लेकिन आज हम घर जा रहे हैं. दिवाली दे गए हो या ते हुन असी इतने टाइम बाद जा रहे हैं. हमने शादी वगैरह अटेंड की, आप लोगों के साथ शेयर किए हैं पिक्चर्स, है ना. और दीदी के घर पे गए, वहां पे हमने काफी इंजॉय किया. तो अब हम फाइनली काफी टाइम के बाद, दिवाली के बाद, अब हम घर जा रहे हैं. अगर 7 तारीख की वेट करें तो 1 महीने के बाद हम घर जा रहे हैं. नहीं, आई थिंक बीच में भी गए हैं दिवाली के बाद. नहीं गए, गए हैं दिवाली नहीं गए, दिवाली में गए अब जगराओं ही गए हुए हैं, मतलब शायद जगराओं गए थे. जगराओं क्या है को भी बता देते हैं. जगराओ हमारे घर के पास, हमारे गांव के पास जो सिटी पड़ता है, वो छोटा सा टाउन, इतना छोटा नहीं है, मतलब छोटा सा टाउन, काफी बड़ा है. काफी बड़ा है मतलब, हाँ अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है वहाँ पे शॉपिंग करना. तो वहाँ पे हम गए थे, थोड़ा काम था, तो वहीं से यहाँ पे वापस आ गए थे. जबकि लुधियाना और जगराओं के बीच में हमारा जो गांव है वो पड़ता है. तो एनीवेज गाइस, तो आज हम जा रहे हैं घर, और घर की अभी मुझे पैकिंग करनी है, सारी डस्टिंग करनी है. रानी मैडम अभी तक नहीं आए हैं, और मुझे ये होता है कि रानी के आने से पहले ना मैं किचन का काम खत्म कर दूँ,
क्योंकि फिर वो चप्पल चुप्पल ये वो मतलब पोचा गीला हो जाता है यार, गीला नहीं होता पोचा तो गीला ही होता है, मतलब पैड वगैरह हो जाती हैं तो फर्श गंदा हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा करेंगे। हिंदी एंड हिंदी पति ने हिंदी पैड़े बोल दें, पैड़े क्या हिंदी में बोलते बोलेंगे हैं पैड़े हो आई डोंट जाती नो, है। कुछ तो कहते हैं हम, मतलब जो भी होता है। एंड गाइस क्या है, पति के एब्स बहुत अच्छे, एब्स एब्स इसको बोलते हैं एब्स तो जहां पे होते हैं, ना, इसको बाइसेप को डॉली को एब्स एब्स बनाई जाती है। नहीं यार मैं यहीं पे बोलने वाली थी ना, एब्स पति के काफी अच्छे बन गए हैं, पति ने अपना पेट कम करना शुरू कर दिया है, इनको एकदम क्रेज हो गया था कि पेट ज्यादा बड़ा करना है मैंने, तो अभी इनको लग रहा है पेट ज्यादा बड़ा कर लिया तो अब उसको कम करने की तैयारी में है, और डोले शोले काफी स्ट्रोंग हो गए हैं पहले से, है ना। 16.5 मैंने मेजरमेंट किया है, 16.5 का डोला है मेरे पति का, डोला क्या कहते हैं ना, डोला आप कहते हैं पंजाबी दे बच्चे, एब नहीं एब तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बाइसेप मसल्स, बाइसेप बाइसेप, ओके बाइसेप 16.5 का, 16+ है, इतने रख के तो ये बात बहुत बढ़िया बात है। एंड और होंगे। बताइए गाइस, आपको भी बॉडी बनानी चाहिए बॉयज, अगर आप भी बॉडी बनाना चाहते हैं तो बहुत बेस्ट है, तो आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, दूसरा एक अच्छी बॉडी बना लेते हो, दूसरा फिट रहते हो और स्मार्ट लगते हो, कपड़े पहने भी बड़े अच्छे लगते हैं। सीरियसली मैं अपने पति के सामने कभी उनकी तारीफ नहीं करती हूँ, वेल कपड़े अगर आपको फिट रखने हैं, अपनी बॉडी को एक स्मार्ट बॉडी बनानी है, तो उसके लिए आपको जिम जरूर जाना चाहिए, एक्सरसाइज जरूर लगानी चाहिए। ऑब्वियसली लेडीज को, हाउस वाइफ, मेरी फ्रेंड्स जो हैं ऑफकोर्स हाउस वाइफ, उनको भी करनी चाहिए एक्सरसाइज। अभी मेरा फैट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और जो एक्सरसाइजेज मैंने आप लोगों के साथ शेयर आने वाले टाइम में करूंगी, और जो ड्रिंक आप लोगों के साथ शेयर की है, प्लीज़ उसको फॉलो जरूर कीजिएगा, बहुत बेस्ट है। आलू बंद करते हैं। एंड आलू मैंने बंद कर दिए हैं, और बस अभी हम बनाएंगे आलू वाली आज रोटी। असी आलू वाले परौंठे बनावांगे, मक्खन मुखड़ ला के खावांगे, तो यस बड़ा मजा आएगा। अज काफी दिनों बाद खा रहे हैं ना आलू के परौंठे। आलू के परोठे काफी टाइम के बाद, यस डोंट वरी मैं ज्यादा नहीं लेने वाली हूँ तो देना नहीं है ना, तो फिर भी अपना फिर पेट आज पक्का खाना कैंसिल, ना। मुझे क्या जरूरत है बनाने की, है मेरे ना। लिए बना दी ना। जमाना चेंज हो चुका है, जिसने खाना है वही बनाओ, अगर आप एक्सरसाइज लाने हैं तो ये सोचते हैं तो अभी भी अभी एक्सरसाइज करने जाने हैं, अभी कुछ भी खा सकते हैं, उधर थोड़ा पेट कम नहीं होगा, थोड़ा नाल नाल अपनी डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, यस क्योंकि परौंठे वगैरह च काफ़ी ज़्यादा कैलोरी होंगी है जो कि अपना पेट ज़्यादा वधदा उहदे नाल, इस करके थोड़ा ध्यान रखो तलियां हुई चीज़ों तो। हाँ मेरे अगर खा सकता क्योंकि मैं जिम जाना काफ़ी एक्सरसाइज करके आना, उत्थे कैलोरी अपनी वेस्ट करके आना वा, ते जेडे नहीं एक्सरसाइज करते घरे फ्री रेंदे जां फिर ज़्यादा ऑफिस च बैठ के काम करते हैं, ते वो बैठने नाल होर भी कैलरी वेस्ट होनी नहीं है, वो सारी फिर वो अपनी वो पेट ते ही असर पैना वा, पेट बाहर आऊगा, इस करके थोड़ा ध्यान नाल पानी ज़्यादा पियो, सलाद खाओ सैलड खाओ, मतलब सेम ही चीज़ होगी सलाद सैलड। इनके हाँ लिए अलग बात है, एक्चुअली पति की डिक्शनरी अलग है, अभी इसको भी मुझसे तो मैं बात सुबह चल जल्दी जाती है। ठालता हूँ, थोड़ी सी मेरी हिंदी मिक्स होगी क्योंकि ये हिंदी बोलती है, वैसे तो पंजाबी है जे तो हिंदी बोलती है, तो इसे मैं सुबह 6 बजे इन्हें उठाना है ना, मैं उठ के फिर मैं जाना जिम दे विच, क्या ये तो है पति ते का, फिर एक ये है कि एक जिम संडे संडे जाना सिर्फ फ्री वा, होता है संडे, जिम जा के फिर आके बिंकल नू रेडी किया हुंदा है ने, फिर मैं बिंकल नू लेके जाना स्कूल छड़ के आना, तो फिर इन्हें 1 घंटा मैं छड़दा पार्क के बच्चे, ये एक्सरसाइज लाउंदी है उत्थे अपना, फिर मैं आना तो नाल ही मेरे आ जाती है। 1 मिनट तुसीं होल्ड रखो, फोन आ गया इधर मैडम नू। हेलो हे गाइस, तो अभी अभी पता चला है इनका ब्रदर जो कनाडा से आया है, मिस्टर राजू, तो वो घर पे आ रहा है, राजदीप मतलब हम उसको राजू बुलाते हैं, तो राजदीप घर पे आ रहा है और मुझे है बहुत सारा काम, तो इस ब्लॉग को मैं अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ, नए ब्लॉग में आपके साथ और डिस्कशन करूंगी, अभी है मुझे बहुत सारा काम, तो मतलब जब कोई गेस्ट आता है ना घर पे, मुझे ऐसा होता है कि किसी ने आना किसी जो ने आना, गेस्ट आता है फटाफट, सांस चढ़ा रहती है, अभी हाँ अभी आ हाँ रहे ये हैं। नहीं हुआ वो नहीं हुआ, फटाफट अभी मैं रानी को बुला के लेके आई हूँ, तो वो फटाफट डस्टिंग कर देगी, मैं किचन का करती हूँ, आपको मिलूंगी बाद में, बाय बाय, टेक केयर।